नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर के अंदर दोस्तों भारतीय राजव्यवस्था यानी कि संविधान से संबंधित जो जो टॉपिक हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक वाइज की सीरीज स्टार्ट की गई है इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। ठीक है, तो इसमें टोटल 8 चैप्टर आते हैं भारतीय राजव्यवस्था के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर आते हैं। पहला टॉपिक है संविधान का निर्माण और इसकी मुख्य विशेषताएँ। दूसरा टॉपिक है संघीय कार्यपालिका। तीसरा टॉपिक है संघीय व्यवस्थापिका संसद। चौथा टॉपिक है भारत में चुनाव। और पांचवा टॉपिक है नौकरशाही की संरचना। छठा टॉपिक है राजनीतिक दल एवं उसकी भूमिका। और सातवां टॉपिक है न्यायपालिका। और आठवां टॉपिक है राष्ट्रीय स्तर के आयोग एवं बोर्ड। तो दोस्तों, आज अपना पहला चैप्टर है जिसका नाम है संविधान का निर्माण और इसकी प्रमुख विशेषता। ठीक है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ये सारे के सारे दोस्तों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी भी आराध्या आरएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। पास में दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा है वो दोस्तों किसके कहने पर बनाई गई थी? तो दोस्तों, चार ऑप्शन आपके पास में है, वेवेल प्लान, क्रिप्स मिशन, प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन। क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी भारत की संविधान सभा। चार नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत सन 1946 में किया गया था। ठीक है, सन 1946 में। आगे चलते हैं सेकंड नंबर प्रश्न की अपन बात करते हैं तो इसमें देखो, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? दोस्तों, चार ऑप्शन आपके पास में है, USA, UK, पाकिस्तान, भारत। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? किस देश का अलिखित संविधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है UK यानी कि ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो संविधान है वो दोस्तों अलिखित है। यहां संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है, जबकि USA, पाकिस्तान एवं भारत के संविधान लिखित हैं। ठीक है, दो नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा UK यानी कि ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम भी अपन इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मैं जैसे ही प्रश्न पढ़ता हूँ वैसे ही दोस्तों आप ऑप्शन देख लिया करो कि इनमें से कौन सा प्रश्न है इसका राइट आंसर होगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि मेरा प्रश्न सही है या गलत। ठीक है, तीन नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के प्रतिनिधियों को चुनाव कब हुआ था? ठीक है, संविधान सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव कब हुआ था? दोस्तों, चार ऑप्शन आपके पास में है, जुलाई अगस्त 1946, जुलाई अगस्त 1948, जुलाई अगस्त 1949, जुलाई अगस्त 1950। क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। दोस्तों, एक नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चार नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, संविधान सभा के लिए चुने गए सदस्यों में से कांग्रेस के कितने सदस्य थे? संविधान सभा में या संविधान सभा के लिए चुने गए सदस्यों में से कांग्रेस के सदस्य कितने थे? ऑप्शन है दोस्तों 204, 205, 207, 208। क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 208 सदस्य थे दोस्तों कांग्रेस के। चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, पांच नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये दोस्तों कब हुई थी? दोस्तों, 9 दिसंबर 1946, 19 दिसंबर 1946, 20 दिसंबर 1946, 21 दिसंबर 1946। तो दोस्तों, संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, भारत की एकात्मक पद्धति का जो लाभ है वो दोस्तों कौन सा है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बताऊंगा, जल्दी से दोस्तों ऑप्शन पढ़ लो और मन में उत्तर सोच लो। तो दोस्तों, भारत की एकात्मक पद्धति का जो लाभ है वो है दृढ़ राज्य। क्या है? दृढ़ राज्य। दो नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, इसमें
शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि सर्वोपरि होता है, ठीक है, जो कि राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करता है, यानी कि दृढ़ राज्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे। भारत की अंतकालीन सदस्य में, दोबारा देखो दोस्तों इसको, भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके पास में है, 296, 313, 289, 314। क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर? तो दोस्तों अंतकालीन संसद में टोटल जो सदस्य थे वो 296 थे। 1 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो अस्थायी सभापति के लिए डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा का नाम का प्रस्ताव किसने दिया था। दोबारा देखो दोस्तों इसको, अस्थायी सभापति के लिए डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के नाम का प्रस्ताव किसने दिया था। तो किसने दिया था नाम का प्रस्ताव, 4 ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, जल्दी से दोस्तों ऑप्शन पढ़ लो। देखो संविधान सभा के लिए डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा का नाम प्रस्तावित है वो किसने किया था अस्थायी सभापति के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य जेबी कृपलानी ने, ठीक है, आचार्य जेबी कृपलानी ने। 3 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के लिए स्थायी सभापति का निर्वाचन कब हुआ था। संविधान सभा के स्थायी सभापति का निर्वाचन कब हुआ था, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। दोस्तों संविधान सभा के लिए स्थायी सभापति का चुनाव, ठीक है, यह निर्वाचन हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। कौन बने थे, तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों स्थायी अध्यक्ष मैंने भी आपको बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो भारत के संविधान का जो निर्माता है वो दोस्तों किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखो इसमें महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर? और आगे दोस्तों 4th ऑप्शन है B.N. राव। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है दोस्तों भीमराव अम्बेडकर को। 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। यह संविधान सभा के प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे। इन्हीं के नेतृत्व में अंतिम रूप से संविधान का प्रारूपण किया गया था, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। 12 नंबर प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो भारत की संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वो दोस्तों कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो भारतीय संविधान सभा की झंडा समिति और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। सबको बताना चाहिए दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की झंडा समिति और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, आचार्य जेबी कृपलानी, यही थे दोस्तों। मूल अधिकार उप समिति के भी अध्यक्ष थे और झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे। 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान है ये दोस्तों कब लागू हुआ था, ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारतीय संविधान। 1 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। सारा का सारा कोर्स करवाया जाएगा दोस्तों 1st ग्रेड का, और सब्जेक्ट वाइज मॉडल पेपर भी स्टार्ट किए जाएंगे। 15 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव है ये दोस्तों कब प्रस्तुत किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखो 4 ऑप्शन है, मैं आपको इसमें डायरेक्ट बता देता हूँ। उद्देश्य प्रस्ताव वो किया गया था दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था दोस्तों। 2 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है,
संविधान सभा को संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार है वो दोस्तों किसे नियुक्त किया गया था? तो ये संवैधानिक सलाहकार का नाम मत ही दोस्तों अपने मन में आ जाता है, डॉक्टर बी एन राव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एन राव, इसका राइट आंसर एक नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 17 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर कब हस्ताक्षर किए? तो अंतिम रूप से दोस्तों हस्ताक्षर है वो कब किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अंतिम रूप से हस्ताक्षर पूछ रहा है दोस्तों, तो ये किए गए थे 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 24 जनवरी 1950 को, एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 26 नवंबर 1949 को बना था दोस्तों। ठीक है, पूर्णतम गणतंत्र कब बना था? 26 नवंबर 1949 को बना था। ठीक है, चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसमें देखो संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक नीति दोबारा देखो दोस्तों इस प्रश्न को, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? तो दोस्तों ये किसने कहा था? चार ऑप्शन आपके पास में है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है केटी साहा ने कहा था दोस्तों। ठीक है, केटी साहा ने कहा था नीति निर्देशक तत्व के संबंध में, एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान है ये दोस्तों 24 जनवरी 1950 को अपनाया था संविधान सभा ने राष्ट्रगान, तीन नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चार ऑप्शन आपके पास में है, 209, 208, 207, 206। तो दोस्तों पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 207 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने? 207 ने, तीन नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये दोस्तों कहाँ पर हुई थी? चार ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, ये देखो चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन को पढ़ लो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर वो भी दोस्तों मन में सोच लेना। तो दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। ठीक है, दो नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो किस एक देशी रियासत का संविधान सभा में प्रतिनिधित्व नहीं था? किस एक देशी रियासत का संविधान सभा में प्रतिनिधित्व नहीं था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन आपके पास में है, मैसूर, हैदराबाद, जूनागढ़, आमेर। तो क्या होगा? आमेर मत कर देना क्योंकि ये राजस्थान में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, भारत गणराज्य घोषित किया गया, तो भारत गणराज्य है वो कब घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था, सबको पता होगा ये तो दोस्तों, भारत गणराज्य 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में अल्पसंख्यक का आधार था, संविधान सभा में अल्पसंख्यक का आधार क्या था? तो दोस्तों देखो इसमें भाषा व जाति, भाषा व धर्म, धर्म व जाति, संप्रदाय व जाति, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? संविधान सभा में अल्पसंख्यक का आधार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा व धर्म, दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो संविधान सभा का एक सदस्य प्रतिनिधित्व करता था, संविधान सभा का एक सदस्य प्रतिनिधित्व करता था, तो दोस्तों किसका प्रतिनिधित्व करता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा का एक सदस्य, तो दोस्तों 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था एक सदस्य,
तीन नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर प्रश्न है, देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा देखना ठीक है। ये परीक्षा में दोस्तों जो मैं करवा रहा हूँ टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ ठीक है, इसमें 8 चैप्टर हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर, और 8 के चैप्टर हैं वो दोस्तों मैं आपको करवाऊंगा। तो चैनल के साथ में जुड़े रहिए तो, और साथ में सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी उपसभापति कौन चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी उपसभापति किसे चुना गया था? तो दोस्तों सबको बताओगे तो किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ठीक है, 2 दिन के लिए रही थे, सिर्फ 2 दिन के लिए बने थे, उसके बाद में स्थायी सदस्य बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था? वो आया था दोस्तों देखो ये दोनों दो दो दिन के गैप में आए थे, 9 दिसंबर फिर 11 दिसंबर और फिर 13 दिसंबर। 13 दिसंबर को आया था उद्देश्य प्रस्ताव, कौन लेके आया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बना था कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर को डॉक्टर अस्थायी सभापति चुना गया था किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 28 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन है ये दोस्तों कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कब किया गया था, 4 ऑप्शन आपके पास में है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको ठीक है। 29 अगस्त 1947 को किया गया था दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? 4 ऑप्शन आपके पास में है, मध्य भारत, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मैसूर। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से हुआ था दोस्तों ठीक है। 3 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन है वो दोस्तों पश्चिम बंगाल से हुआ था। आगे चलते हैं 30 नंबर प्रश्न, इसमें देखो संविधान सभा के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? संविधान सभा के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन थे संविधान सभा के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल ठीक है। 1 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर, और दोस्तों मैं ऐसे पूछूं कि जब भारत आज़ाद हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो आपको कमेंट में देना है ठीक है। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था ठीक है, पूरा नाम लिखना है और कमेंट में लिखना है। 31 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की कार्य प्रणाली की क्या विशेषता थी? संविधान सभा की कार्य प्रणाली की जो विशेषता थी वो दोस्तों क्या थी? तो इसमें देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझौते व समन्वय की भावना, ये इसकी प्रमुख विशेषता थी ठीक है कार्य प्रणाली की। तो समझौता एवं समन्वय की भावना, 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की रचना में कुल कितना समय लगा? भारत के संविधान की रचना में कुल कितना समय लगा? तो दोस्तों कुल समय है वो कितना लगा? तो दोस्तों सबको पता होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ठीक है, सबको पता है, ऐसे मत कर देना 2 वर्ष 9 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 4 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर के प्रश्न, अपन 33 नंबर प्रश्न की अगर अपन बात करें तो इसमें देखो भारत का संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया? तो भारत का जो संविधान है वो दोस्तों पूर्णतः कब लागू किया गया? सबको पता होगा दोस्तों कब लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 1 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर प्रश्न, इसमें देखो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे वो दोस्तों कौन थे? वो थे दोस्तों सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो असत्य कथन है, तो दोस्तों असत्य कथन है वो कौन सा है ठीक है, असत्य कथन इसमें से बताना है। तो इसमें देखो झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी, मैंने अभी आपको बताया था ठीक है, प्रारूप समिति के
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। असत्य कथन पूछा है तो दो नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी देख लो दोस्तों, इसमें संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही है, मूल अधिकार समिति वल्लभ भाई पटेल ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 36 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो प्रारूप समिति के प्रारूप समिति से संबंधित नहीं है, प्रारूप समिति से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों प्रारूप समिति के सदस्य इनमें से कौन नहीं थे वो अपने को इसमें बताना है, ठीक है। तो देखो गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, ये दोस्तों दोनों थे, ठीक है, प्रारूप समिति के सदस्य थे। अब बचे दोस्तों दो ऑप्शन और, इसमें देखो डीपी खेतान, तो दोस्तों ये भी थे, ठीक है। रामास्वामी मुदलियार, ये दोस्तों इसका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये दोस्तों प्रारूप समिति से संबंधित नहीं थे, तीन नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ तब यहाँ कितनी देशी रियासतें थी, 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ तब यहाँ कितनी देशी रियासतें थी, तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके पास में है, 389, 562, 480, 260, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो दोस्तों टोटल जो देसी रियासतें थी वो कितनी थी, 562, दो नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, ठीक है, ये अपने को इसमें बताना है। तो देखो इसके अंदर चार ऑप्शन आपके पास में दिए गए हैं, भाग सेकंड, भाग थर्ड, भाग फोर्थ, भाग फिफ्थ। नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है कौन सा भाग है, वो है दोस्तों भाग दो, ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों, ठीक है, भाग दो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन। 39 नंबर प्रश्न है, लोकतांत्रिक के द्विकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है, लोकतांत्रिक के द्विकरण किसकी, सॉरी केंद्रीकरण है, ठीक है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है, तो किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी राज्य की, ठीक है, समाजवादी राज्य की, तीन नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को देखते हैं करीबन 6000, ठीक है, और उनमें से लाइक करते हैं दोस्तों 300, तो दोस्तों लाइक करने में क्या जाता है, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये सीरीज चल रही है वो कैसी चल रही है, वीडियो कैसे हैं, प्रश्न कैसे हैं, ये दोस्तों कमेंट करके बताओगे तो उससे भी अच्छे क्वालिटी के मैं आपके सामने प्रश्न और लेके आऊँगा, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न में चलते हैं, तो इसमें देखो भारत के संविधान के कुल कितने भाग हैं वो दोस्तों अपने को इसमें बताना है, तो कुल कितने भाग हैं भारत के संविधान के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 22 है, कितने भाग है, भाग 22 है। अनुसूची कितनी है, टोटल अनुसूची कितनी है, तो दोस्तों टोटल अनुसूची है वो आपको कमेंट में बतानी है, टोटल अनुसूची है वो कितनी है, ठीक है, आगे चलते हैं। 41 नंबर प्रश्न देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो देखो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का अपने को इसमें चयन करना है कि इनमें से कौन सा उत्तर इसका सही होगा, ठीक है, मिलान करना है, मिलान करके फिर कोर्ट में बताना है। चलो देखो चार मैंने आपके सामने रख दिए हैं, ठीक है, अब आपको क्या करना है, सुमेलित करना है, तो देखो सुमेलित करते हैं, ठीक है, सुमेलित करते हैं। चलो देखो सूची फर्स्ट के अंदर दिया गया है भारतीय संविधान के मध्य, और सूची सेकंड में दिया गया है जिस देश से अपनाया गया है, मतलब कि कौन सी चीज़ है वो कौन से देश से ली गई है वो अपने को इसमें बताना है, ठीक है। तो देखो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व है, ये दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं, तो दोस्तों ये लिए गए हैं आयरलैंड से, कहाँ से, आयरलैंड से। मूल अधिकार, मूल अधिकार दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं, तो ये तो सबको पता होना चाहिए,
मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं दोस्तों कहां से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, देखो पांच नंबर का ऑप्शन है इधर, ठीक है, यहां से लिए गए हैं दोस्तों मूल अधिकार। संघ राज्य संबंधों की, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, ठीक है, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, ये दोस्तों कहां से ली गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये कहां से, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और चौथा है इसमें, ये देखो यहां से कटिंग है थोड़ी, ठीक है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, ये दोस्तों कहां से ली गई है, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में आर्थिक शक्ति निहित है, ठीक है, ये कहां से ली गई है, तो ये ली गई है दोस्तों कहां से, ये कनाडा से ली गई है दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3512, 3512 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3512। कूट भाषा में देखो 3512 यानी कि चार नंबर का ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद है, ठीक है, तीन नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघात्मक प्रणाली किस विदेशी संविधान से ग्रहण की गई है, तो संघात्मक प्रणाली है वो दोस्तों किस देश से ग्रहित की गई है या ग्रहण की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कनाडा से, ठीक है, संघ का नाडा यानी कि संघात्मक प्रणाली है, यानी कि नाडा यानी कि कनाडा। नेक्स्ट है 44 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, दोस्तों मैंने अभी आपको बोला था कमेंट में कमेंट करके बताना, तो अगर जिस जिसने बता दिया है वो इसका उत्तर देख लो, ठीक है, संविधान सभा में टोटल 12 अनुसूची हैं, ठीक है, 12 अनुसूची है। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की विशेष विशेषता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कहाँ की, ब्रिटेन की, एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न है, संविधान की संरक्षक संस्था कौन सी है, तो संविधान की संरक्षक संस्था है वो कौन सी है, तो दोस्तों वो है सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय, एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो नीति निर्देशक तत्व है ये दोस्तों किस देश से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से, दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर प्रश्न, इसमें देखो असत्य कथन छांटिए, तो दोस्तों असत्य कथन अपने को इसमें छांटना है, असत्य कथन कौन सा है, देखो आपातकालीन प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से, बिल्कुल सही है। समवर्ती सूची ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। ये देखो संघीय व्यवस्था, तो दोस्तों संघीय व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है, तो मैंने अभी आपको बताया था संघ का नाडा, तो ये कनाडा से ली गई है, यहाँ पे अमेरिका दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, असत्य कथन छाटना था, तीन नंबर का ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है संविधान संशोधन, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है, देखो दक्षिण अफ्रीका की टीम है, क्रिकेट टीम ने अभी तक वर्ल्ड कप नहीं जीता है, क्योंकि वह अपने टीम में बार बार संशोधन करती रहती है, बार बार कभी कौन सा खिलाड़ी आ रहा है कभी संशोधन ही करते रहते हैं दोस्तों टीम के अंदर, और संशोधन करते करते क्या हो गया, तो जैसे संविधान संशोधन कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से, यह भी बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन नंबर का ऑप्शन। 49 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी, भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों क्या, कनाडा, कहाँ से,
संघ, संघ आ जाए तो इसका मतलब कनाडा कर देना दोस्तों। दो नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। 50 नंबर प्रश्न है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद लिया गया है तो ये दोस्तों कहां से लिया गया है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का, परीक्षक का पद, ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद है वो कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है दोस्तों कहां से, इंग्लैंड से। कहां से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है दोस्तों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसको अपन केक बोलते हैं, ठीक है। चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गए आज के अपने जो पहला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया संविधान से संबंधित। दोस्तों रोजाना ऐसे टॉपिक चलेंगे जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। तो अगर आपने अभी भी आराध्या आरएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, पास में दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।